गुड इवनिंग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करते हैं डायनेमिक मॉस स्टोरेज सर्किट के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल सा सर्किट है, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका एक एनमॉस कनेक्टेड होता है आपका एक इन्वर्टर से, और यहाँ पर बीच में आपका एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पर आपने एक लॉजिक वन दिया, ठीक इस पॉइंट पर, ये VI जो कि इनपुट है, और कंट्रोल सिग्नल जो होता है उस पर भी आपने लॉजिक वन दिया गेट पर, तो ये ऑन हो जाएगा। एनमॉस है ऑन, तो इसका मतलब क्या, ये वन आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो आपका जो वन है और यहाँ पर ग्राउंड है, तो ये आपका कैपेसिटर क्या होगा, ये इस तरह से चार्ज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डाटा को फीड करने का। अब इसके बाद में क्या होता है, अगर मान लो आपको डाटा निकालना है तो आप क्या करेंगे कि कंट्रोल सिग्नल को ज़ीरो कर देंगे, तो हमारे इनपुट से तो कोई मतलब है नहीं। अब जो हमारा पहले से चार्ज कैपेसिटर है वो हमारा इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, यानी कि इस तरह से वी आउट पर डिस्चार्ज होगा, और इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो भी इनपुट है वो जो भी स्टोर हुआ था वो क्या था। ठीक है, लेट सपोज अब इसी का एक और सर्किट है, कंट्रोल सिग्नल यहाँ वन गया, यहाँ पर भी बन गया वन से इन्वर्टर की वजह से, यहाँ ज़ीरो हो गया पी मॉस ज़ीरो पर क्या होता है, ऑन होता है, यानी ये वाला मॉस ऑन हो गया। कंट्रोल सिग्नल वन यहाँ गया, ये एन मॉस है, एन मॉस वन के लिए ऑन होता है। ठीक, इनपुट पर क्या है, वन है, तो वन जो है वो यहाँ से, तो वो चाहे इस तरह से गया चाहे नीचे से, कैसे भी गया, लॉजिक वन हमारा इस पॉइंट पर पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, ये कैपेसिटर को हमारा ऑन कर दिया, कैपेसिटर को ऑन यानी कि चार्ज किया, और हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। कंट्रोल सिग्नल को ज़ीरो कर देंगे, तो ज़ीरो कर देने पे क्या होगा कि ये दोनों जो मॉसफेट हैं, ये दोनों मॉसफेट हमारे ऑफ हो जाएंगे, ऑफ हो जाने के बाद ये कैपेसिटर हमारा इस इन्वर्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो सर्किट है वर्क करता है, और ये जो दो एक एन मॉस और एक पी मॉस लगे होते हैं इसी को ट्रांसमिशन गेट कहते हैं। ठीक है, लाइक इसी का एक और सर्किट भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ इनपुट पर यहाँ वन कंट्रोल सिग्नल हमने दे दिया, वन दे दिया, तो क्या होगा, वन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, वन यहाँ पहुँचने के बाद कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर क्या होगा, हमने कंट्रोल सिग्नल ज़ीरो कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ कैपेसिटर चार्ज है तो ये डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो इन्वर्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर वन है तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, अब ज़ीरो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचाते पी मॉस ज़ीरो के लिए क्या होगा, ऑन होगा, और ऑन हो जाएगा, ऑन होने का मतलब क्या है कि VDD जो है वो हमारा इससे कनेक्टेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये VDD डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड हो गया, और हमारा कैपेसिटर जो है वो फिर चार्ज होने लगेगा। तो इस तरह से ये जो सर्किट है वर्क करते हैं, और आप इसके तीन लाइक वो होते हैं स्टेप्स, वो आप इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से राइट करता है डाटा को, किस तरह से रीड करता है, पॉज करके इसे देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।